ऑलराइट गाइस, सो गॉडज़िला सिंगुलर पॉइंट के 10वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। और इस वीडियो में हम गॉडज़िला सिंगुलर पॉइंट की कहानी को आगे बढ़ाएंगे और इसका 10वां एपिसोड साथ में देखेंगे। तो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू इट। एपिसोड शुरू होता है कि जापानी सेल्फ डिफेंस फोर्स गॉडज़िला को रोकने के लिए पूरी तरीके से तैनात है। तभी वहां पर एक ब्लैक रोडन जो कि अपने नए फॉर्म में है गॉडज़िला की तरफ अप्रोच कर रहा है, लेकिन गॉडज़िला अपनी एटॉमिक ब्रेथ का रिंग उसके ऊपर छोड़ता है जिससे वो रोडन इंस्टेंटली वहीं पर खत्म हो जाता है। अब यून और हेवरू वापस आशिहारा के मेंशन में जाते हैं ताकि वो और ज्यादा खोजबीन कर सके आशिहारा के बारे में। यून को यहाँ पर आशिहारा की डायरीज मिलती हैं जिससे उसे रियलाइज होता है कि आशिहारा ने पहले ही फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर दिया था और उसे पता था कि सिंगुलर पॉइंट के कोलाइड होने के कारण फ्यूचर में एक कैटास्ट्रोफी क्रिएट होगी जिससे ह्यूमैनिटी वाइप आउट हो जाएगी। और यून को ये भी पता लगता है कि उन्हें जो मेंशन में रेडियो मिला था वो रेडियो एक्चुअल में सिग्नल्स को रिसीव कर रहा था, ना कि ब्रॉडकास्ट। और आशिहारा भी इस सॉन्ग को सुन रहा था अपने हिडन रेडियो से। और यून पता लगा लेता है कि ये सॉन्ग एक्चुअल में एक कोड है और ये कोड डेट और टाइम्स को रिप्रेजेंट करते हैं और इन कोड में मैसेज छुपे हुए हैं। और उसे उसके और मे के मैसेजों के बारे में पता लगता है जो कि आर्केटाइप और कैटास्ट्रोफी के बारे में होते हैं। और इन कोड को डिकोड करके यून को ये भी पता लगता है कि आने वाले 4 दिनों में कैटास्ट्रोफी शुरू हो जाएगी और शायद उसी दिन उसे भी उसका फाइनल मैसेज मिलेगा। वहीं दूसरी ओर मे इंडिया पहुंच जाती है। वो ली की डेथ से बहुत ज्यादा दुखी है। बीबी की बेटी लीना उसे यहाँ पर रिसीव करने आती है जो कि उसे सिवा कंसोर्टियम के हेडक्वार्टर में लेकर जाने वाली है। वहीं मिलिट्री अब अपने वीपन लॉन्च की प्रिपरेशन में है ताकि वो गॉडज़िला को रोक सकें। और वहीं सैटो यामामोटो से जाकर मिलता है जहां पर उसे पता लगता है कि आशिहारा एक मछुआरों के गांव में पैदा हुआ था और उसके गांव को एक जायंट मॉन्स्टर ने अटैक करके डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन इवेंचुअली उस मॉन्स्टर को मार दिया गया। और आशिहारा ने मिसाइकियो को की फैसिलिटी परचेस की और उस मॉन्स्टर के स्केलेटन को वहां रखकर उस पर स्टडी करने लगा। वहीं इंडिया में शिवा फैसिलिटी से शरंगा अंडरग्राउंड केव नेटवर्क से बाहर निकल आता है और वहां के पास के ही एक विलेज में अटैक करने लगता है और तबाही मचाने लगता है। पीवी वहां पे अपने सोल्जर्स के साथ में पहुंच जाता है और शरंगा के ऊपर ऑर्थनल डायगोनाइलाइजर का यूज करता है जिससे रेड डस्ट फिर से क्रिस्टल में बदल जाती है और शरंगा उन क्रिस्टल स्पाइक्स में फिर से फंस जाता है। टोक्यो में ब्रॉडकास्ट फिर से शुरू हो चुका है और मिलिट्री अपना मैसिव अटैक गॉडज़िला के ऊपर शुरू कर देती है और ऐसा लगता है कि इनका अटैक वर्क कर रहा है, लेकिन यहाँ पर गॉडज़िला के फॉर्म में ट्रांसफॉर्मेशन होता है और गॉडज़िला अपने नए फॉर्म में आ जाता है। ये होता है गॉडज़िला अल्टिमा जो कि आगे बढ़ता है और अपनी पावरफुल एटॉमिक ब्रेथ से तबाही मचाने लगता है। गॉडज़िला की एटॉमिक ब्रेथ बिल्डिंग्स के बीच में से छेद करते हुए आर पार निकल जाती है और टोक्यो शहर जलने लगता है। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। सो ऑलराइट गाइस, ये था 10th एपिसोड गॉडज़िला सिंगुलर पॉइंट का और 3 एपिसोड और बचे हैं बस इस सीरीज के खत्म होने में, जिसे हम बहुत जल्दी ही खत्म कर देंगे क्योंकि इस सीरीज का एक्साइटमेंट अब पूरी तरीके से चरम सीमा पर है। तो अब आप मुझे बताइए कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। एंड फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर गाइस।